बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम में डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पेगासस मामले को लेकर के कहा कि ये जाति जनगणना पार्टी का मामला नहीं बल्कि जनता का मामला है। केंद्र सरकार इस विषय को अपने स्तर से देखने का काम कर रही है। तो वहीं साथ ही साथ सम्राट चौधरी के बयान पर उन्होंने कहा कि सही तरीके से काम नहीं हो पा रहा है। जब उनसे तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री के मिलने को लेकर के बातें पूछी गई तो उन्होंने कहा कि विपक्ष से मुलाकात सत्ता पक्ष के नेताओं से होना कोई बड़ी बात नहीं है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद। और अब आपके दूसरे सहयोगी जितेंद्र मांझी ने भी इसे गंभीर बताते हुए जांच की मांग की है। देखिए, ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय है और केंद्र सरकार इस मामले को देख रही है, इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। जातीय जनगणना पे भी नीतीश कुमार और मांझी का स्टैंड बिल्कुल आपसे उलट है। नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि विधानसभा से दो बार प्रस्ताव पारित हुआ है, अब बीजेपी उस पर कैसे वो कर सकती है? क्या लग रहा है कि सब कुछ गठबंधन में सही है? ये ना भाजपा का सवाल है ना अन्य दलों का सवाल है, यह सवाल सरकार के अपनी प्रक्रिया से या जनगणना का जो मापदंड है उससे जुड़ा हुआ विषय है। बिहार विधानसभा ने इस संबंध में दो बार प्रस्ताव पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस मामले को देख रहे हैं। और इसके पहले भी 1931 में जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, बाद में फिर नहीं हो पाई। पिछली बार भी सामाजिक एवं आर्थिक सर्वे हुआ था जिसमें कई प्रकार की विसंगतियाँ आई थी, उसके कारण जो विषय था वो उलझ कर रह गया। ये सारी चीज़ें हैं जिसको कि भारत सरकार को करना है और वो भारत सरकार अपने ढंग से इसको देख रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि प्रस्ताव भेजा है पार्टियों ने जातीय जनगणना पर, अब सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, तो एक तरफ कई सारी पार्टियां आ गई है, एक तरफ केंद्र, तो सरकार तो देख ही रही है इस मामले को। मेरी ओर से कोई कहा गया क्या कि इसमें तनाव हो जाएगा? गठबंधन में सब कुछ सही चल रहा है बीजेपी में क्यों बिहार में? क्योंकि कल सम्राट चौधरी ने भी परसों जिस तरीके का बयान दिया था कि गठबंधन में काम करने में बहुत मुश्किलें पैदा होती हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत आसान नहीं। मैंने देखिए वो दूसरे संदर्भ में कुछ बातें कही थी, लग रहा है कि उनकी बातों को ठीक ढंग से वो नहीं आ पाया। गठबंधन का अपना एक काम करने का तरीका होता है और उसमें कई चीजें हैं, हर दल का अपना अपना विचार भी होता है, लेकिन जब हम एक न्यूनतम कार्यक्रम पर और साझा कार्यक्रम पर सरकार में हैं तो हम सब जो साझा कार्यक्रम है वो मोटे तौर पर उसी पर हम लोग सरकार को चलाते हैं।